हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर दैट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसका मीनिंग और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास मीनिंग, दैट इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एक्चुअली में जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है, ठीक है? हमें ये तो मालूम है जॉइंट का मतलब मालूम है, कंपनी का मतलब पता है। अब अगर हम लोग इसको एक सिंपल भाषा में समझे तो आप ये मान के चलिए कि दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ। मोटा मोटा हिसाब रखते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन है जो हम लोगों ने बनाया हुआ, पहले से नहीं था, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। और किसी भी चीज को बनाने के लिए दुनिया में एटलीस्ट कम से कम दो लोग तो चाहिए ही होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी क्या है, एक कंपनी है तो मिनिमम दो लोग तो हमें चाहिए और जॉइंट स्टॉक आ गया जॉइंट। क्लियर है? तो जॉइंट का मतलब ये है कि हम लोग अकेले तो जॉइन नहीं कर देंगे ना, ठीक है, कोई अलग से भी होगा तो मिनिमम दो लोग तो चाहिए हमें उसे जॉइन करने के लिए। तो दैट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी, इस हिसाब से हम लोग समझते हैं। क्लियर है? तो दैट इज द आर्टिफिशियल कंपनी विच इज बीइंग सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन और अ कंपनी विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय द लॉ। ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं उसके हिसाब से हमारी बनती है। क्लियर है? तो अगर हम लोग आपकी बुक से रिफर करें तो एक्चुअली बुक में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हैने, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, इंडिविजुअल है लेकिन फॉर द प्रॉफिट्स है। हैविंग अ कैपिटल डिविडेंड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। क्लियर है? तो सिंपल से सीधा सा हिसाब क्या है कि हमारा एक कोई ऐसी इंडिविजुअल एंटिटी, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्लियर है? स्टॉक कंपनी की। तो यहाँ पे हमारी एक ऐसी कंपनी है जिसको हम लोग एक प्रॉफिट के मुकाबले हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी होती है वी आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर द लॉस, वी ऑलवेज गोइंग टू हैव द प्रॉफिट। क्लियर है? तो आई होप कि आपको मालूम चल जाओ कि आज में जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या। देखिए यहाँ पे कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि आपको स्टार्टिंग में शायद कुछ कंफ्यूजन वगैरह होगा, अगर आप थोड़ा सा आगे देखते रहेंगे या वीडियो को देखते रहेंगे और जो भी चीज हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में, अगर वो हर एक चीज अगर आप देखते रहेंगे, इसके फीचर्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, तो आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी एट द एंड बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने में ही लगता है कि यार ये पता नहीं, ये मेरा आउट ऑफ रडार जा रहा है, आउट ऑफ रेंज है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन जब भी आप इसके पार्ट्स वगैरह आने वाले हैं, जब भी आएंगे और जब भी आप इसको देखेंगे, जब पूरा चैप्टर आप खत्म कर चुके होंगे इस चैनल से, तो आपको लगेगा हाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज द फीचर्स। ठीक है, फीचर्स क्या गया है, फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो वी आर जस्ट हैविंग द सेवन टाइप्स ऑफ फीचर्स, हमारे कुछ यहाँ पे 10 फीचर्स हैं जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि हम बुक के हिसाब से चलते हैं, मतलब बुक से बियॉन्ड कुछ भी चलते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में और अपना एकेडमिक्स देखने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फीचर्स देखने वाले हैं क्या क्या है, तो एक एक करके फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ओके, व्हाट इज दिस सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस? अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सेपरेट एग्जिस्टेंस की अगर हम लोग ये बात देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी कंपनी या जो भी हमने कंपनी जो बनाई है उस लॉ के अंडर में, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग उसका वो जो कंपनी है वो अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और जो भी कुछ है अगर उसको कुछ भी करना है तो वो अपने नाम पे कर सकती है। ठीक है भाई, कंपनी कोई नाम होगा एक्स वाई जेड करके, आ जाओ तुम्हें आ जाओ, तो कंपनी का कुछ नाम वगैरह होगा एक्स वाई जेड करके, तो वहां पे जो भी कुछ होगा वो कंपनी अपने नाम पे कर सकती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, आई थिंक आपको मालूम है शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, तो जो भी शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर नॉट द जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डर क्या है कि वो हमारे उन्होंने शेयर ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी साथ में ओनर बन गया। ठीक, तो हमारा होता क्या है, कंपनी का और मेंबर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ भैया ये जो कंपनी है ये इसके जो मेंबर्स हैं, 10 मेंबर है या 15 मेंबर है या 5 मेंबर है, जितने भी हैं, तो यही जो है रियल ओनर ऑफ द कंपनी है। क्लियर है? तो जो कंपनी जो शेयर होल्डर होते हैं दे आर नॉट लायबल फॉर द कंपनी, कंपनी क्या कर रही है उनको से मतलब नहीं है।
क्लियर है, उनको अपना डिविडेंड चाहिए, तो अपने उस स्टूडेंट के लिए वो किसी भी मैनेजरियल एक्टिविटी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते कंपनी में, क्लियर है। तो यहाँ पे जो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओनर नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें क्रिएटर्स की, तो क्रिएटर्स क्या होते हैं, क्रिएटर आर द ओनर ऑफ द, सॉरी क्रिएटर अगर यह क्रिएटर ऑफ द कंपनी बट नॉट क्रिएटर ऑफ द मेंबर, मेक श्योर क्रिएटर्स आर द रियल क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। भाई अब वो कंपनी के नाम पे करेंगे, कंपनी में कोई अगर आप इंडिविजुअल के नाम पे करें, मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है एक्स वाई जेड करके और उसमें एक आपका मेंबर है रमेश, ठीक है, तो वो जो क्रिएटर अगर आप मान लीजिए कोई सामान अगर आपको देता है तो वो रमेश को नहीं दे रहा है, तो कंपनी को दे रहा है, एक्स वाई जेड कंपनी को दे रहा है, जिससे कि वो जो सामान वो जो कंपनी रहेगी फिर वो लायबल रहेगी उसके लिए देने के लिए, ठीक है, तो रमेश लायबल नहीं होंगे, क्लियर, क्योंकि उसने क्या किया है, किसी ने जो क्रिएटर है उसने कंपनी को सामान दिया है, रमेश को नहीं दिया है, क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्लियर होगा। अब यहाँ पे आता है हम लोग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी कंपनी जो हमारी बनाई गई कंपनी किसके थ्रू बनाई गई, लॉ के थ्रू, और उस कंपनी को डिसॉल्व भी कौन करेगा, लॉ ही करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉ के अंडर में बनाई जा रही है और जब कंपनी बंद होगी तो वो लॉ के अंडर में ही बंद होगी, उसको वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स होंगे उनके मरने पर भी ये कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। मेंबर्स मे कम एंड मे गो, मेंबर्स आएंगे भी और मेंबर्स जाएंगे भी, लेकिन कंपनी बंद नहीं होने वाली, ठीक है, अंटिल एंड अनलेस जितने भी प्रेजेंट में मेंबर्स हैं अगर उनकी सहमति ना हो ये कंपनी बंद करने की, तो ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी चलती रहेगी जब तक भाई कंपनी से किसी को मुनाफा हो रहा है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी चलती रहेगी। बहुत सारे लोग आएंगे, जितने मेंबर्स हैं और भी मेंबर्स आएंगे, कंपनी और बड़ी होगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस कंपनी को चला सकते हैं, वेल एंड गुड, और अगर आपको लग रहा है कि आप ये कंपनी आपसे मतलब बजट से बाहर जा रही है और ये प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, तो आपको इसको लीगली बंद करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसको वाइंड अप करना पड़ेगा और मतलब ये कर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं किसी एक ये एक या दो मेंबर की डेथ हो गई या मान लीजिए उसकी उसकी कुछ तबीयत वगैरह खराब हो गई या वो नहीं एक्टिव पार्ट ले पा रहा है तो आप कंपनी उठा के बंद कर दोगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है। तो मतलब जितने भी सक्सेसर्स होते हैं वो आपको इस कंपनी को आगे चला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं तो उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, वहां पर लिमिटेड रहती है, ठीक है। अगर हम लोग ये कहेंगे भाई किसी ने कोई शेयर किसी ने लिया हुआ है या ऑक्यूपाई किया हुआ है या किसी की लायबिलिटी हम कहते 10,000 की, हम कहते मान लीजिए 1,00,000 की, ठीक है, तो अगर 1,00,000 की है और अगर उसने उस बंदे ने मान लीजिए आपने सामान लेते किसी से, अब आपको 1,00,000 रुपये देना है, हर एक मेंबर को देना है, 10 मेंबर है तो आपको 10,00,000 रुपये देने, तो हर एक बंदे को 1,00,000 रुपये देना है, तो 1,00,000 रुपये एक मेंबर देगा, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक जो बंदा है वो 1,00,000 रुपये देगा। इनकेस कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कोई बंदा अगर या कोई भी मेंबर अगर वो 1,00,000 रुपये नहीं दे पा रहा है तो वहां पे जो दे पा रहे हैं मतलब जो अदर मेंबर है जिन्होंने अपने जो जो ड्यूज पे ऑफ कर दिए हैं तो वो लायबल नहीं है देने के लिए, वो वही मेंबर देगा जिसने वो पैसा नहीं दिया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे हर एक मेंबर जो लायबिलिटी है वो कैसी है, उसकी लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, वो अपने से मतलब रखेगा, अदर मेंबर दे रहे हो तो अच्छी बात है क्योंकि वो उनकी गुडविल हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ठीक है, ये क्या होता है, कभी भी जो कंपनी होती है वो हमारी किससे बनी होती है, नॉर्मल सी बात है, शेयर से बनी होती है, तो जो शेयर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, वो मेंबर्स के पास होते हैं। अब अगर हम लोग ये बात कर लें कि यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी कैसे होती है, तो सीधी सी बात ये है कि कभी भी आप कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी को वापस नहीं कर सकते, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, उन शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी होती है। अगर आपको कभी पैसों की जरूरत है और आपके एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर्स आपके पास है तो आप क्या करेंगे, उस शेयर्स को चाहे तो मार्केट वैल्यू पे या फिर आप कम दामों में उसको बेच सकते हैं कि एज योर डिमांड्स, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट किस टाइप की है कि अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए या कुछ समय बाद करके चाहिए तो आप उस शेयर्स को आप बेच सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं, तो जिसको आप बेचेंगे तो वो मेंबर क्या होगा, वो उस कंपनी का मेंबर बन जाएगा, क्लियर।
तो यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफरेबल होते हैं। आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमन सेल। व्हाट इज दिस कॉमन सेल? एक्चुअली में मतलब क्या होता है, जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कंपनी की, कंपनी मतलब यहाँ पे क्या है कि पूरी हमारी कोई कंपनी है एंड वी आर हैविंग सेवरल मेंबर्स इन इट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि कोई भी अगर हमारा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है या कुछ भी एक्स्ट्रा जन ऐसा होता है तो उसमें हमें कंपनी का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, तो अप्रूवल की बात करें तो अप्रूवल में आप साइन कौन करेगा, तो वही एक हमारा सील होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील, और जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनीज अप्रूवल, जिसे हम लोग कहते हैं ना भाई मोहर लगना। ठीक है, तो वो होता है कि अगर वो मोहर लग गई तो इसका मतलब कि आपकी कंपनी ने अप्रूव कर दिया, मेंबर ने अप्रूव नहीं किया है। हम किसी एक मेंबर की किसी दो मेंबर की बात नहीं कर रहे, यहाँ उस पूरी कंपनी ने ही अप्रूव कर दिया कि हाँ भैया ये जो है ये चीज आप कर सकते हो करने। क्लियर है? भले उसमें फिर आपके जो एक आध मेंबर भाई उस चीज पे एग्री हो चाहे ना हो, उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक जब डिसीजन लिया आता है तब हम लोग एक कंबाइंड डिसीजन लेते हैं कि हाँ भैया ये जो डिसीजन है क्या ये हमारी कंपनी के हक में है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज अगर इस कंपनी के इस कंपनी जो ये अप्रूव कर रही है तो वो मानेंगे कैसे, तो कंपनी का एक सील होता है, जैसे हम लोग बोलते कॉमन सील, या हम लोग जो नॉर्मल जैसे हम लोग कहते हैं ना हमने इसको अप्रूव कर दिया तो हम लोग साइन करते हैं, तो दैट इज द ऑल्सो सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसे कंपनी खुद साइन, अब कंपनी खुद तो साइन नहीं कर सकती ना, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन जो हम लोगों ने बनाया। ठीक है, तो कंपनी खुद थोड़े कि भैया ना रहे मैं टाटा हूं तो मैं साइन कर रहा हूं, मैं विप्रो हूं तो मैं साइन कर रहा हूं, नहीं। ठीक है, वो एक कंपनी का सील होता है कि हाँ भाई अगर वो जो सील लग जाती है तो इसका मतलब ये कि उस कंपनी ने इस चीज को अप्रूव कर दिया। क्लियर है? आई होप कि जो पांचों पॉइंट्स हैं वो आप क्लियर होंगे बहुत अच्छे से, और अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कॉमेंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सिक्स्थ, दैट इज सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड द कंट्रोल। ओके, ओनरशिप एंड कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज को कंट्रोल करना, एंड ओनरशिप मतलब ये होता है कि भाई किसी चीज का ओनर होना, ठीक है, मालिक होना। तो सिंपल सी बात यह है कि कंपनी का मालिक कौन है, हमारे शेयर होल्डर जो कि हमारे लिटरली जो मेंबर्स हैं। तो अब उन मेंबर्स में होता क्या है, वो उसके ओनर है। क्लियर, कंट्रोल करना और ओनरशिप होना वो एक बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट है। यहाँ पे कंट्रोल का मतलब ये होता है भाई जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं वो अपना एक कोई लीडर चुनते हैं। ठीक है, तो एक या एक एक लीडर चुनते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। तो वो जो डायरेक्टर होता है उसके हाथ में पूरा वो जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो हाथ में होता है। तो वो जो होता है लिटरली वो उस कंपनी को मैनेज करता है। वो जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं उनकी विलिंगनेस पे होता है कि हाँ भैया हम इसको डायरेक्टर अपना चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है उस मैनेजमेंट में इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्लियर, मेक श्योर उस मैनेजमेंट में उस कंट्रोल में ओनरशिप में, ओनरशिप अलग चीज होती है। ठीक है, तो उन मेंबर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है क्योंकि उनको मालूम है कि जिसको भी हमने चुना है वो हमारे जो भी डिसीजन ले रहा है वो हमारी कंपनी के हित में ही ले रहा है। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे समझ में आया कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन एक्चुअली में क्या होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बंदा जैसे या कोई भी मेंबर अगर हमारे इस कंपनी में आता है तो उसकी एक अलग अलग मतलब उसका एक पर्पस होता है। ठीक है, मतलब खुद का होता है कि हाँ भैया मेरा ये काम हो जाए तो हम कंपनी में ठीक है टाटा वाइवे कर लेंगे, या ये काम हो जाए। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं भाई हर एक का पर्पस होता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कुछ लोग उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं अब भाई उनको तो कोई रोक सकता नहीं है। अब भाई उन्होंने जैसा हमने क्या कहा कि जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है उन्होंने अपने शेयर्स दिए किसी को और पैसा लिया और चले गए वहां से। क्लियर है, ये हमारा लीगल भी है। तो यहाँ पे वही चीज होती है कि एक एसोसिएशन हमारा होता है वो उनकी मर्जी पे होता है, जब भी वो उसको ज्वाइन करना चाहे और कभी भी उसको आ सकते हैं। ठीक है, अब मानिए कोई थर्ड पर्सन है उसने शेयर्स खरीद लिए, अब उसको भी दो साल बाद उसने वो ठीक है सेवा हो गई कंपनी की, फिर उसने उसको अलग भेज दिया अपने शेयर्स। तो वहां पे क्या होता है ये लोग आते हैं और चले जाते हैं, तो उनकी मर्जी होती है आराम से, दे आर फ्री टू कम एंड जस्ट फ्री टू गो। क्लियर, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। यहाँ पे ये चीजें क्या होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि हमारी जो कंपनी क्या है, कोई हमारी कोई पर्सन तो है नहीं। ठीक है, उसको तो हम लोगों ने अपने इंडियन के कानून से बनाया है ना, कंपनी एक्ट से बनाया हमने कि हाँ भैया वो जो कंपनी है ये हमारी कंपनी है,
ठीक है, हमने एक इसको एक प्रॉफिट मोटिव से बना के रखा हुआ है जिससे कि हम और आप सभी लोग काम करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है, और ना ही कोई ह्यूमन बीइंग है। तो बस ये हमारे कंपनी एक एक्ट से और कंपनी के जो लॉ है, जो हमारा पास जो हमको जो एक्ट दिया गया था उसमें जो लॉ है, हमने इसको उसी बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से बनाया हुआ है। तो हाँ, ये होता है कि जब भी हमारा किसी के साथ जब खून पसीना लगा होता है तो हम लोग उसको बहुत ही फैमिली तरीके ट्रीट करते हैं। तो बस यही पे आता है हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है, सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई हमारा नेचुरल पर्सन तो है नहीं, नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, ये इसको हम लोगों ने बनाया ना, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है, कंपनी क्या करती है, अपने बहुत सारे जो शेयर्स होते हैं वो अपने छोटे छोटे दाम में निकाल देती है, हमारे 10 रुपए के हो गए, 50 रुपए के, 100 रुपए शेयर हो गए। अब इतने बड़े जो शेयर्स होते हैं वो छोटे छोटे दाम में निकालती है, उसको बहुत सारे लोग होते हैं खरीदने के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब बहुत सारे जब लोग होते हैं तो करते क्या है, तब उस कंपनी को फाइनेंस बहुत अच्छा मिल जाता है, पैसा बहुत अच्छा मिल जाता है, तब पैसे के अवश्य में वो रिटर्न्स भी देती है जिन्होंने उसके शेयर्स खरीदे होते हैं। तो ये होता है कि कंपनी के पास जब फाइनेंस बहुत अच्छे से आता है तो उस कंपनी को चलाने में बहुत हेल्प मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, और ये लगता है कि हाँ भैया अब ये कंपनी हमारी आगे बढ़ सकती है। बिकॉज वो अगर वो उतना फंड या लोन वगैरह ले लेगी तो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं देना चाहती, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हम लोग स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड द कंट्रोल बोर्ड, ये क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो हमारा हमारे कंपनी को किसके थ्रू देखती है, वो कंपनी के जो एक्ट है वो उसी के थ्रू उसको देखती है। तो कंपनी के एक्ट में देखना मतलब उसी को शो पर रहता है, भैया हमने कंपनी का जो लॉ बनाया है उसी के अंडर बनाया है, तो गवर्नमेंट भी हमारे उसी के रिस्पेक्ट में देखती है, और हमारे जो कंपनी के बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं वो हमारे रजिस्ट्रार पास जाते हैं, कंपनी के एक रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास जाते हैं, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह होने के लिए। तो बस है ना, तो एक चीज और, जैसे कि हम बार बार कंपनीज एक्ट बोल रहे हैं, तो क्या आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे एक्चुअली में जो कंपनी का जो एक्ट है, आप कमेंट करिएगा कि कंपनी एक्ट कौन सी ईयर में आया था, देखते हैं किसको किसको मालूम रहता है। तो ये आपका ये होमवर्क है कि कंपनी जो एक्ट है वो हमारा कौन सी ईयर में आया था, ठीक है, तो दैट्स अ होमवर्क फॉर यू, एंड आई होप कि ये जितने भी जो मीनिंग है जॉइंट स्टॉक कंपनी का और जो फीचर्स है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और ठीक है, वीडियो आ रही है, बन रही है, शूट हो रही है, और ये ध्यान रखिएगा आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और टाइम से पहले पहले या टाइम तक तो हम लोग आराम से कोर्स खत्म कर देंगे, आप लोग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस वीडियोज को अच्छे से देखते रहिए और उनको समझते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। Till then.